سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये वो ख़बर है कि मदीने वालों को सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की ख़बर किसने दी। एक तो वो था ना कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हो रहे थे तो एक यहूदी ने फिर चीख चीख कर लोगों से कहा कि वो रहे जिनका तुम्हें इंतज़ार था। वो अलग वाक़या है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में बेअसत हुई वो ख़बर मदीने वालों को किसने दी, आज इस पर बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि उस ज़माने में काहिन जो है वो लोगों को वो ख़बरें बताते थे जो आम तौर पर उनके पास नहीं होती थी, और काहिनों के बारे में तफसीलात जो आती हैं वो मैं आपसे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन लोग अक्सर जब मैं काहिनों के बारे में सवाल करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने सीरत नबी के दुरूस नहीं सुने या बाकी दुरूस नहीं सुने, वो अक्सर ये पूछते नज़र आते हैं कि भाई ये तो बता दें कि होते कौन हैं कहानत, और ये काहिन होते कौन हैं, और ये इनकी जो फील्ड है इसको क्या कहते हैं। देखिए, पहले तो समझिए कि कहानत क्या है। कहानत वो फील्ड है जिसको करने वाले को काहिन कहते हैं। तो अब कहानत का माना क्या है, अगर आप लुग़वी मानी देखना चाहते हैं तो इसके माने हैं अंदाज़े लगाना, एक तरीके से तुक्केबाजी करना, अटकलबाजी करना, और ऐसे उमूर के ज़रिए से हकीकत तलाश करने के मानी हैं जिनकी कोई असास ना हो, एविडेंस ना हो। बज़ाहिर ज़माने जाहिलियत में कुछ लोगों ने इसे कारोबार के तौर पर इख्तियार कर लिया था, और इनका इन शैतानों से राबता था जो आसमान से चोरी छुपे बातें सुनकर इन लोगों से आकर बयान कर देते थे। फिर वो शैतानों से सुनी हुई इस तरह की बातों में अपनी तरफ से 100 इजाफे करके उसको फिर लोगों को बयान करते थे। तो उन सैकड़ों बातों में कोई 1-2-4 बातें ठीक भी हो जाती थीं, तो लोग इनके फरेब में आ जाते थे और अपने बाहमी फ़ैसलों के लिए इनकी तरफ रुजू करते थे, और मुस्तकबिल के हालात व वाक़यात में भी इनसे रहनुमाई हासिल करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि काहिन जो है अपने मानों में वो होता है जो अपने अंदाज़ों से आने वाली बात की ख़बर देता है, और उसका अंदाज़ा भी बेस होता है शयातीन की ख़बरों पे। तो काहिनों के पास जाने से कुरान करीम और अहादीस नबविया की रोज़ से यही है कि इन लोगों तक के पास जाने से मना किया गया है, और यही बात उन लोगों के बारे में भी है जो सितारों की चालों से आपको बताते हैं, या वो लोग जो हाथ की लकीरों से बताते हैं, जो पामिस्ट्स हो गए, या वो कार्ड रीडर्स जो होते हैं ना, टैरट कार्ड रीडर्स। और अच्छा, इसी तरह वो जो सितारों के वो जो कहते हैं जेमिनाई, कैंसर और पता नहीं एरिया, पता नहीं कौन क्या क्या सितारों के नाम हैं, उनसे फिर बताते हैं कि आज आपका दिन ऐसा गुजरेगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अता अर्राफन, जो शख्स किसी काहिन के पास जाकर उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल करे तो उसकी 40 रातों तक नमाज कबूल नहीं होती। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि काहिन के पास जाकर सवाल करना, फिर उसकी तस्दीक भी करना, तो ये तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पाक के साथ कुफ्र है, क्योंकि इसने काहिन के दावे को इल्म गैब जाना और उसकी तस्दीक की। और वो जो शख्स किसी के दावे इल्म गैब की तस्दीक करे तो वो दर हकीकत अल्लाह ताला के फ़रमान की तकज़ीब कर रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो जो आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, तो फिर तुम उनके पास जाकर उनकी बातें कैसे मान रहे हो। सूरह नमल की आयत है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। इसीलिए एक सही रिवायत में ये अल्फाज भी आते हैं कि जो शख्स किसी काहिन के पास जाए, मन अता काहिनन फसद्दकहू, और जो कुछ वो कहे उसकी तस्दीक करे तो उसने उस दीन के साथ कुफ्र का इर्तिकाब किया है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं या पर नाजिल किया गया है। तो इसीलिए इन काहिनों के पास जाना जो है वो इस्लाम की रो के सख्त खिलाफ है। हाँ, उस ज़माने में शयातीन जो है वो सुन गुन करके बातें ला के बता देते थे। और इसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी किया कि जब जिन्नात के ऊपर ये आग बरसने लगी, उन्हें शिहाब मारे जाने लगे, तो वो बड़े परेशान हुए। वो इबलीस के पास पहुंच गए जो उनका आका है। देखें ना, जो शैतानों को मानते हैं वो इबलीस को आका मान रहे होते हैं, जो शैतानी कामों के पीछे जा रहे होते हैं वो इबलीस के कामों के पीछे जा रहे होते हैं। अब आप खुद ही फैसला कर लें भाई, अल्लाह ने जिस काम से मना किया उसके पीछे जाओगे तो फिर इबलीस ही के कामों की इत्तबा करोगे ना। तो अब क्या हुआ कि जब वो इबलीस के पास गए तो इबलीस ने भी उनसे कहा कि मुझे भी खबर नहीं है। यानी कि क्या बात हुई कि शयातीन को खबर नहीं है इल्म गैब की, ये नहीं जानते। देखें ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने देखा है, सुना भी होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा मुबारक पर खड़े हैं और आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन जिन्नात को इल्म नहीं है, वो अभी भी काम में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ओ भाई काम में लगे रहो, सुस्ती ना करो, अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम माबद से निकल के खाल खींच देंगे। खबरदार, देख रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, लाठी पे टिकी हुई है और उनको ये खबर नहीं कि रूह परवास कर चुकी है। तो बहरहाल इसलिए इनको इल्म शिल्म कोई नहीं होता, ये सुन गुन करके बातें इधर से उधर बयान करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि इन चीज़ों के मुताल्लिक़ कोई अक़ीदा ना रखा जाए, ना इनके पास जाया जाए, फटका भी ना जाए। बात सुनना तो दूर की बात, जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई, एक मुसलमान को क्या ज़रूरत है इन लोगों के पास जाने की। ये जितने आमिलीन हैं, ये धंधेबाज हैं, ये सब के धंधे बंद हो जाएं कि अगर लोगों के ईमान मजबूत हो जाएं। क्या वजह है, ये सोशल मीडिया पर आपको जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सितारों की चाल और कमर और शम्स इस में आ गया है, ये आपका नहस में आ गया है, क्या अलम गलम अल्लम बल्लम कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या सितारों की चाल में अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह किस्मत रखी हुई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, ऐसे अक़ायद रखना भी कुफ़री अक़ीदा है। बहरहाल आप ऐसे लोगों से इज्तनाब किया करें। तो जहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के मुताल्लिक़ काहिनों की पेशन गोइयों का सवाल है, तो उनमें से अक्सर का बयान तो मैंने आपसे पहले सीरतुन नबवी के दुरूस में कर चुका हूँ, आप वो सीरीज़ सुन सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात और आपके दूध पीने के वाक़िआत, फिर लाइव सेशन में भी आपसे पहले मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं। अब आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी अब तक ये 7-8 मिनट की, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये काहिन होते कौन हैं, इनका क्या मामला होता है। तो अब बात करते हैं हतीबा नामी काहिना की। ये वाक़या है, इसे इमाम हलबी ने उम्मुस सियर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 632 पे नकल किया है कि मदीने में एक काहिना औरत रहती थी जिसका नाम था हतीबा, है तोय ये मीम है। इसके एक जिन ताबे था। एक दिन वो जिन इस औरत के पास आया और मकान की दीवार पर आके ठहर गया। इसको फिर हाफिज़ इब्न कसीर ने भी अलबिदाया वन निहाया में नकल किया है। तो बहरहाल इस औरत ने उससे कहा, क्या बात है, अंदर आओ ताकि हम तुम बातें करें। उसने कहा, सुनो हतीबा, मक्के में एक नबी ज़ाहिर हुए हैं जिन्होंने ज़िना और बदकारी को हराम कर दिया है। तो यानी कि उसका मकसद क्या था उस औरत का, हतीमा का, कि तुम हमारे पास उतरो। तो फिर वो गलत कामों का इरादा रखती थी। उसने कहा, ख़बरदार, एक नबी ज़ाहिर हुए हैं जिन्होंने ज़िना और बदकारी को हराम कर दिया है। उसके बाद ये औरत ने इस बात को मदीने वालों को बताया। मदीने वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के मुताल्लिक़ सबसे पहले इसी औरत की इस बात से पता चला था। उम्मीद करता हूं कि इस दर्स से आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी हुआ होगा, और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार भी करें। अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, ईमान की मजबूती पर काम करें और गलत अक़ीदे वालों से बचें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।